अरे स्टीव भाई जल्दी भागो, वो सारे ज़ॉम्बी हमारे पीछे ही आ रहे हैं। और ये फ्रैंकिन भाई किधर चले गए? इन सभी ज़ॉम्बीज में से मैं फ्रैंकिन भाई को कहाँ पे ढूंढू? अरे बाप रे, वो रहे हमारे फ्रैंकिन भाई। फ्रैंकिन भाई जल्दी से खड़े हो जाओ, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। अरे स्टीव और शिनचैन, मुझे ज़ॉम्बी ने काट लिया है और मैं इन्फेक्टेड हो चुका हूँ, मैं कभी भी ज़ॉम्बी बन सकता हूँ। अरे फ्रैंकिन भाई क्या बोल रहे हो, हम आपको छोड़ के नहीं जा सकते। अच्छा बाबा ठीक है, जल्दी से मुझे ऊपर छोड़ के आओ, उसके बाद तुम दोनों भाग जाना। हाँ, अरे शिनचैन जल्दी देखो, ज़ॉम्बी अंदर आ रहे हैं, तब तक मैं फ्रैंकिन को ऊपर छोड़ के आता हूँ, तुम ज़ॉम्बीज को संभालो। अरे गाइस यार, यहाँ पे तो बहुत सारे ज़ॉम्बी आ गए, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, ये मेरे फ्रैंकिन भाई को खाने वाले थे। अरे स्टीव भाई जल्दी से अपने फ्रैंकिन भाई को ऊपर रख के आओ, इन सभी ज़ॉम्बीज को मैं ज्यादा देर तक नहीं संभाल पाऊंगा। अरे बाप रे बाप, कितने सारे ज़ॉम्बीज आ गए, भागो भागो। अरे स्टीव, अब तो तुमने मुझे ऊपर भी रख दिया, जल्दी से शिनचैन के पास जाओ। अरे स्टीव भाई मुझे जल्दी बचाओ। ये तो शिनचैन की आवाज है, रुको ज़ॉम्बी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे स्टीव भाई, इन ज़ॉम्बीज ने तो हमें चारों तरफ से घेर लिया। अरे शिनचैन तुम टेंशन मत लो, मैं इन सभी ज़ॉम्बीज को मार दूंगा। अरे स्टीव भाई ये ज़ॉम्बीज तो कुछ आधी आती जा रही है। अरे हाँ शिनचैन, तुम तो एकदम सही कह रहे हो। अरे स्टीव भाई, वो किंग कॉन्ग वाला ज़ॉम्बी तो हमें ही देख रहा है। अरे ये भी हमारे पीछे पड़ने वाला है, जल्दी भागो यार, वो सारे ज़ॉम्बी हमारे पीछे ही है। अरे शिनचैन भाल तो हमें और भी ज़ॉम्बी मिल गए। अरे स्टीव भाई बातें मत करो यार, जल्दी से मारो। अरे नहीं, ये तो मेरे पास में ही आ गया। स्टीव भाई हमें कैसे भी करके इनसे बचना पड़ेगा, जल्दी से मेरे पीछे पीछे आ जाओ। हाँ शिनचैन, हम इनसे नहीं बच पाएंगे, हमें कैसे भी करके यहाँ पे कोई गाड़ी ढूंढनी पड़ेगी। अरे स्टीव भाई, यहाँ पे तो पूरी ज़ॉम्बीज की सेना आ गई, एक काम करो जल्दी से इस वाले पुल के नीचे कूद जाओ, ये देखो यहाँ पे एक रास्ता जा रहा है, हम दोनों को जल्दी से यहाँ से भागना पड़ेगा, भागो भागो भागो। अरे शिनचैन तुम तो गिर गए। अरे स्टीव भाई कुछ नहीं होता यार, ऐसी छोटी मोटी चोटी तो लगती रहती है, बस आप जल्दी से भागते रहो। अरे शिनचैन वो देखो, सामने में तो एक गाड़ी खड़ी हुई है। अरे स्टीव भाई जल्दी आओ, आप तो एकदम सही कह रहे हो। गाइस यार यहाँ पे तो एक बहुत ही तगड़ी वाली गाड़ी खड़ी हुई है। ये आवाज किस चीज की है? अरे स्टीव भाई जल्दी से पीछे देखो। अरे शिनचैन क्या हुआ? अरे स्टीव भाई वो ज़ॉम्बी किंग कॉन्ग तो हमारे पीछे ही आ रहा है। अरे हाँ ये तो सच्ची में हमारे पीछे ही आ रहा है। अरे स्टीव भाई अब क्या करना है, जल्दी बताओ यार। अरे शिनचैन पूछ क्या रहे हो, जल्दी से अपनी गाड़ी को भगाओ, अब वो ज़ॉम्बी किंग कॉन्ग हमारे पीछे नहीं आ रहा। लेकिन ये तो बताओ, हम अपने फ्रैंकिन भाई को कैसे बचाएंगे, क्योंकि उनके अंदर ज़ॉम्बी वायरस आ चुका है और वो 24 घंटे के अंदर अंदर ज़ॉम्बी बन जाएंगे। अरे शिनचैन मेरे पास एक जादुई बोल है, उसकी मदद से हम एक जादुई गेट बना सकते हैं और वो गेट हमें एक जादुई दुनिया में लेके जाएगा, जहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक मोशन रहता है और वो हमारे फ्रैंकलिन को ठीक कर सकता है। अरे तो स्टीव भाई देरी किस बात की, जल्दी से वो जादुई बोल निकालो ना। लेकिन शिनचैन उसके लिए हमें लॉस सैंटोस के पीछे वाली पहाड़ी पे जाना पड़ेगा। अरे तो स्टीव भाई टेंशन मत लो, हम अभी चलते हैं। तो गाइजर अगर आप सभी लोग चाहते हैं कि हम दोनों अपने फ्रैंकिन भाई को ठीक कर ले, तो जल्दी से कमेंट में जाके फ्रैंकिन ओपी लिख दो, ताकि हम दोनों अपने फ्रैंकिन भाई को बचा सके। आप हमें ये कहाँ पे ले आए यार? अरे शिनचैन बस हम पहुँचने वाले हैं, जल्दी से तुम ऊपर चलो। अरे लो स्टीव भाई हम तो ऊपर भी आ गए। अरे एक सेकंड गाइस यार, वो क्या चीज है? वहीं तो वो जादुई गेट है। अरे वाह गाइस यार, हमें तो फाइनली ये वाला जादुई गेट मिल चुका है। अरे वाह स्टीव भाई, इसमें से तो बहुत ही ज्यादा तेज रोशनी निकल रही है। अरे शिनचैन जल्दी इस गेट के अंदर चलो, ये गेट बस 5 मिनट के लिए खुला है। तो गाइजर हमें जल्दी से इस वाले गेट के अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला गेट बस 5 मिनट के लिए खुला है। तो स्टीव भाई एक काम करो, जल्दी से मेरे पीछे पीछे आ जाओ और गाइजर इसी के साथ हम चले। गाइस यार ये मैं कहाँ पे आ गया और ये स्टीव भाई कहाँ पे चले गए? स्टीव भाई आप कहाँ पे हो? अरे नहीं मैं तो नीचे गिरने वाला हूँ। अरे गाइस यार बड़ी तेज चोट लग गई, लेकिन ये स्टीव भाई कहाँ पे है? अरे शिनचैन मैं तो तुम्हारे से पहले नीचे पहुँच गया। अरे क्या स्टीव
चीफ भाई मैं तो डर गया था यार, लेकिन इस चीफ भाई ये कौन सी दुनिया है, यहाँ पे हर जगह बर्फ ही बर्फ है। हाँ, शिनचैन ये जादुई दुनिया है और ये पूरी दुनिया उस मॉन्स्टर की है। अरे क्या बात कर रहे हो चीफ भाई, अरे गाइस यार हमें कैसे भी करके उस वाले मॉन्स्टर को ढूंढना पड़ेगा। अरे चीफ भाई वो क्या चीज खड़ी हुई है, ये तो वही वाला मॉन्स्टर है, हमें आखिरकार वो वाला मॉन्स्टर मिल ही गया। अरे गाइस यार देखो तो जरा कैसे वो वाला मॉन्स्टर ऊपर खड़ा हुआ है। अरे स्टीव भाई जल्दी उसे नीचे बुलाओ, हमें उससे बात करनी पड़ेगी ताकि हम अपने फ्रैंकलिन भाई को ठीक कर सके। तो चलो गाइस यार फाइनली हमने इस वाले मॉन्स्टर से बात कर ली है और इस वाले मॉन्स्टर ने हमें एक गोली बना के दी है जो कि मैं अपने फ्रैंकलिन भाई को खिलाने वाला हूँ और उसी गोली से अपने फ्रैंकलिन भाई बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और गाइस यार ये देखो ये वाला वेपन कितना तगड़ा है, इस वाले वेपन को हमें उस किंग कॉन्ग वाले ज़ॉम्बी के ऊपर मारना है एंड इसकी हेल्प से वो किंग कॉन्ग वाला ज़ॉम्बी भी जान से मारा जाएगा। हाँ तो शिनचैन जल्दी चलो, इस वाले मॉन्स्टर ने हमारे लिए देखो यहाँ पे गेट भी बना दिया। अरे वाह गाइस यहाँ पे तो ये वाला गेट बन भी गया। हाँ तो मॉन्स्टर अब हम जा रहे हैं, तो चलो चीफ भाई। और गाइस इसी के साथ हम लोग अपने लॉस सैंटोस वापस जा रहे हैं। तो चलो गाइस यार इसी के साथ हम लोग उस वाले गांव में आ चुके हैं। अरे स्टीव भाई जल्दी से इन ज़ॉम्बीज को मारो ना। शिनचैन बाल तो रहा हूँ, अब एक काम करो जल्दी से गांव के अंदर ले लो, मैं जल्दी से ऊपर जाके अपने फ्रैंकलिन भाई को ठीक करता हूँ और तुम इस वाले ज़ॉम्बी किंग कॉन्ग को मजा चखाओ। अरे हाँ स्टीव भाई एक काम करो आप जल्दी से ऊपर जाओ। अरे फ्रैंकलिन मैं आ रहा हूँ, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना तुम ठीक हो जाओगे। तो गाइजर इसी के साथ अपने स्टीव भाई तो ऊपर चले गए अपने फ्रैंकलिन भाई को ठीक करने के लिए। अब मुझे कैसे भी करके इस ज़ॉम्बी किंग कॉन्ग को मारना पड़ेगा। अरे ये क्या, ये तो भाग रहा है इस वाले वेपन को देख के, मुझे लग रहा है इसे पता है कि ये ज़ॉम्बी किंग कॉन्ग इस वाले वेपन से मर जाएगा। अरे गाइस यार देखो तो कैसे भाग रहा है ये ज़ॉम्बी किंग कॉन्ग, अब मैं इसको नहीं छोड़ने वाला। अरे ये क्या, ये तो चूक गया। अरे गाइस यार मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ, ये कहाँ तक भागेगा, ये ले तू ये वाली एकुण मिसाइल खा ये ले। तो गाइस यार इसी के साथ मैंने इस वाले ज़ॉम्बी किंग कॉन्ग को मार दिया। देखो तो जरा कैसे तड़प रहा है ये, इसने हमारे फ्रैंकलिन भाई को जान से मार दिया था, वो तो हमारे फ्रैंकलिन भाई अब ठीक होने वाले हैं। तो गाइस यार एक काम करता हूँ, अब जल्दी से अपने फ्रैंकलिन भाई और स्टीव भैया के पास चलता हूँ। अरे भागो 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 जल्दी से, अब मुझे ऊपर जाना पड़ेगा, मेरे हिसाब से अपने फ्रैंकलिन भाई ठीक हो गए होंगे। अरे गाइस यार मैं तो ऊपर आ गया लेकिन फ्रैंकलिन भाई और स्टीव कहाँ है। अरे गाइस यार वो देखो हमारे फ्रैंकलिन भाई तो ठीक हो गए। अरे शिनचैन देखो फ्रैंकलिन तो एकदम ठीक हो गया। अरे शिनचैन तूने मुझे फाइनली ठीक कर दिया, थैंक यू। फ्रैंकलिन भाई कैसी बातें कर रहे हो यार, मैं तो आपका छोटा भाई जैसा हूँ। अरे शिनचैन थैंक यू यार, तो तुझे अपनी ऑडियंस से कुछ बोलना है क्या। हाँ फ्रैंकलिन भाई, तो गाइजर अगर आपको आज वाली वीडियो में मजा आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और गाइजर अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और हाँ गाइज कमेंट में फ्रैंकलिन ओपी लिखना मत भूलना। अब मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। Perfect.